जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे बच्चों, हाजिर हूं आपके लिए मैं वीकली राशिफल लेकर के। 22 जनवरी से लेकर के 28 जनवरी के बीच में क्या होने वाला है आपके साथ, चलिए आज हम जानेंगे। अब आप कहते होंगे, गुरु माँ राशिफल लेकर के आप बार बार क्यों आ जाते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब मैं छोटी थी, मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा था, मैं बहुत परेशान थी, फैमिली इश्यूज थे लाइफ में, तो उस समय में मैं रोजाना राशिफल सुना करती थी। और राशिफल सुनने से मुझे इतना पॉजिटिव लगता था, समझ में आता था, प्लान आउट होता था, और मुझे ये महसूस होता था कि नहीं, आज जो भी, चाहे अंधेरा कितना भी ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन आने वाले समय में उजाला ज़रूर होगा। और वही इसी भावना के साथ, उसी पॉजिटिविटी के साथ मैं आपके लिए ये राशिफल लेकर के आती हूँ। आप इसे सुनते रहें, हमारे चैनल से जुड़े रहें, और ये विश्वास रखें कि आज चाहे समय आपका खराब है, आने वाले समय में आपका समय जरूर बदलेगा, भगवान की कृपा आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो राशिफल है आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, यानी कि आपकी जन्म कुंडली की राशि पर आधारित है। जिन व्यक्तियों को अपनी जन्म कुंडली वाली राशि नहीं पता है, तो नाम राशि से भी इस राशिफल को आप देख सकते हैं। और साथ ही मुझे जो भी इंट्यूशन प्राप्त होती है, जो भी आभास रूप में भगवान से मुझे पता चलता है, वो भी मैं इस राशिफल के माध्यम से आपके साथ साझा करती हूँ, शेयर करती हूँ, ताकि आप अपना आने वाला समय प्लान कर सकें और पॉजिटिव उस समय में बने रहें। कुंभ राशि वालों, 22 से लेकर के 28 जनवरी तक कैसा रहेगा यह हफ्ता आपके लिए, चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो मुझे दिखाई दे रहा है आप चमकने वाले हो इस हफ्ते में। कुछ तो ऐसा है जहां पर आप जाओगे और लोगों के बीच में एकदम छा जाओगे और लोग आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। कुछ तो ऐसा स्पेशल है जहां आप लोगों के नोटिस में आ रहे हो। सकता है अपने सोशल मीडिया पर कुछ आप ऐसा पोस्ट कर दें, कोई फोटो आप स्टेटस पे डाल दें, कुछ फेसबुक पे डाल दें, कुछ यूट्यूब पे ऐसा कुछ आप बना दें, कुछ है, समथिंग इज देयर, जहां बहुत सारे लोगों की नजर आपके ऊपर पड़ रही है और वो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। काफी सारे लाइक आपको इस समय में मिलेंगे, पर्सनली भी मिल सकते हैं, ऑनलाइन भी मिल सकते हैं। तो एक अच्छा समय है जहां आप को लोग पहचानेंगे, आपका नाम बढ़ेगा, आपका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा लोगों के ऊपर, ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर धन संबंध की बात करें, तो अगर आपने कोई गोल बना रखा है, तो उस गोल की तरफ आप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं बहुत तेजी से, और बहुत अच्छा ये हफ्ता रहेगा आपके गोल को पूरा करने के लिए। तो ये बहुत अच्छा समय रहेगा। अगर आप फाइनेंशियली कुछ करना चाहते हैं, कुछ प्लान किया है आपने और आप उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो ये हफ्ता एग्जीक्यूट करने के लिए, मतलब उस कार्य को करने के लिए बहुत अच्छा है। तो उसको आप जरूर इस हफ्ते को यूज करें, वेस्ट ना करें। नाम सम्मान तो ये आपका हफ्ता बढ़ाएगा ही, और उल्टा पैसा भी ये आपका बढ़ाएगा, वो भी दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा समय है, बहुत कंफर्टेबल समय है। आपका भक्ति में भी इस समय में बहुत मन लगेगा, और कुछ लोग तो अपने पार्टनर के साथ भक्ति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपको किसी ऐसे स्थान पे जाने का अवसर मिले, या आप कोई ऐसे रिलीजियस स्थान पे जाएं, या मंदिर वगैरह जाएं, या घर में ही कुछ करें। देखिए, साथ में एज अ कपल आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा समय उस चीज के लिए है। और कुछ लोग पार्टियों में भी जाते दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग बाहर भी विजिट करते हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ लोगों को, और कुछ ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात होगी जो हमारे कल्चर से बिल्कुल डिफरेंट हैं, जो बिल्कुल ही उनको देख करके आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, या ऐसा हो सकता है कुछ नई डिश आप ट्राई करें, दूसरे कल्चर की, दूसरे किसी क्यूजीन की, कुछ ऐसा है जो बहुत डिफरेंट आपके लिए है, और डिफरेंट एक्सपीरियंस की आपका हफ्ता ये जो है आपके लिए लेकर के आएगा। जय शनिदेव, मैं गुरु माँ के दरबार में आई। ये वीरवार को दरबार लगाया जाता है, किसी से कोई फीस नहीं ली जाती, निःशुल्क लगाया जाता है। सभी को जो आते हैं उनकी श्रद्धा पूर्वक उनको माने सारी बातें समझाई जाती, जैसे भी उनके ग्रह होते हैं उनके हिसाब से उनको मंत्र दिए जाते हैं, वो होते हैं, उनके सबके काम सिद्ध होते हैं। इसी तरह मेरे भी अपनी बिटिया के लिए नौकरी के लिए प्रार्थना लगवाई थी, तो मेरे भी बिटिया का काम सिद्ध हो गया। तो गुरु माँ की कृपा से सभी के काम सिद्ध होते हैं। जय सुनीत। कुछ लोग जो हैं वो कुछ अलग खरीद भी सकते हैं, कुछ अलग तरीके का जो आपने आज तक अपने घर में नहीं यूज किया है, कुछ ऐसा नया भी खरीद सकते हैं, समथिंग न्यू, कुछ नया आपके लिए ये जो हफ्ता है लेकर के आएगा।
इस समय में आप भाग्य के भरोसे नहीं रहेंगे, अपने कार्य आप स्वयं करेंगे। तो एक तरफ से आप कार्य करते जाएंगे, दूसरी तरफ से भाग्य उसको पूरा भी करता जाएगा। तो ऐसा मत समझिए कि केवल आप ही कर रहे हैं और भाग्य पे निर्भर नहीं है, भाग्य अपना काम कर रहा है और आप अपना काम करेंगे इस हफ्ते में। इस समय में काफी शांति आपको महसूस होगी, मन का सुकून मिलेगा। बहुत समय बाद आपको ऐसा लगेगा चलो कुछ तो अच्छा लाइफ में हुआ है। अगर आप किसी भी प्रकार से मॉडलिंग में हैं, कैमरे के सामने हैं, किसी भी तरीके से फोटोशूट वगैरह करते हैं, तो उन लोगों के विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा जो लोग भी कैमरे से कनेक्टेड हैं। आप इस समय में जो भी आगे बढ़ेंगे आपकी टीम आपको फॉलो करेगी, आपके जो लोग हैं आपको फॉलो करेंगे, कुछ लोग आपको फॉलो करते हुए इस समय में दिखाई दे रहे हैं। तो आप जिस तरीके से पहनेंगे कपड़े, या जिस तरीके से आप बात करेंगे, या जिस तरीके से आप अपने गोल लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे, उसको फॉलो करेंगे। अगर कोई नया प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं ऐसे में, या कोई नई चीज आप लोगों को बीच में रख रहे हैं, लोग उसको फॉलो जरूर करेंगे ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल समय बहुत अच्छा है, आप उसका लाभ उठाइए। मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए, भगवान आपको ऐसे ही तरक्की देते रहें। तो ये था आपका इस हफ्ते का राशिफल। अगर आप बहुत समय से राशिफल फॉलो कर रहे हैं और आपको मैच नहीं कर रहा है, या आपको कुछ कुछ बातें मैच करती हैं, या आपको लगता है कि हर चीज़ पॉजिटिव है लेकिन आप पॉजिटिव नहीं हो पा रहे, आपकी लाइफ में वो कृपा नहीं आ पा रही है, तो मेरा यही आपको सजेशन होगा, एक बार अपने ग्रह जरूर चेक करा लें। हो सकता है कोई खराब दशा आपकी चल रही है जिसकी वजह से आपको आसमान में तो चेंजेस हो रहे हैं लेकिन आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो एक बार अपनी जन्म कुंडली अवश्य चेक कराएं। हमसे चेक कराना चाहते हैं तो हम निशुल्क जन्म कुंडली विश्लेषण करते हैं। उसके लिए आप कभी भी दरबार में आ सकते हैं। हर गुरुवार हम सिद्ध दरबार लगाते हैं, ना केवल जन्म कुंडली देखेंगे, समस्या है तो उसका निवारण भी निशुल्क करेंगे। मात्र एक नारियल 1.25 मीटर लाल कपड़े में बांध कर लाएं और शनिदेव और नवग्रह देवताओं की कृपा अपने साथ ले जाएं। तो ये था आपके अगले हफ्ते का हाल। फिर से मुलाकात करेंगे नए किसी वीडियो में, इसी प्रकार से आपको ज्ञान देते रहेंगे। सनातन धर्म की जय हो। भगवान आप सभी पर कृपा बनाए रखें, यही मेरी कामना है। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।